दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कनेर के प्लांट की आप किस तरह से इस समय देखभाल कर सकते हैं, कि आपका प्लांट अगर न्यू है तब भी आप उसमें जो है फूल पा सकते हैं, क्योंकि मेरा जो ये प्लांट है सिर्फ 2 महीने का ही है, क्योंकि 27 अप्रैल को ही मैंने इसको रिपोर्ट किया था। तो रिपोर्ट करने का वीडियो आपके साथ शेयर है, वो वाइट कनेर था और ये पिंक है, तो मैं एक साथ ही प्लांट खरीद कर लेकर आई थी और एक ही साथ जो है प्लांट को रिपोर्ट भी किया था, तो उसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसके पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ कि कैसे इसकी देखभाल करनी है इस समय और क्या फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि हम जो है रेनी सीजन में कभी भी बहुत सारा जो फर्टिलाइज़र है प्लांट में नहीं देते हैं, और कनेर को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है भी नहीं, लेकिन कुछ एक जो टिप्स है अगर वो आप फॉलो करेंगे तो आपके जो प्लांट है उसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावर आप पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों कनेर के प्लांट को किस तरह से आप रिपोर्ट कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगी तो वहाँ से आप देख लीजिए। बाकी इसके किस तरह से आप प्रोपोकेशन कर सकते हैं, इसे सीड से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है, उसका भी मैंने जो है आपके साथ वीडियो शेयर किया है। कनेर की कटिंग्स आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और आप डायरेक्ट सॉइल या कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है, कटिंग्स जो है सॉइल में भी है और जो है आप वाटर में भी किस तरह से कर सकते हैं, तो सभी चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो लिंक यहाँ मैं दे दूँगी, तो आप ज़रूर से वो चीज़ें देख लेंगे तो आपको पूरा जो इस प्लांट की प्रोपोकेशन किस तरह से करना वो पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कनेर के प्लांट को किस तरह से देखभाल करनी है। तो इस समय अगर पानी की बात करेंगे तो मॉनसून आ चुका है, मॉनसून में आप नॉर्मली सॉइल चेक करके ही जो है पानी दीजिएगा, और सनलाइट की बात करेंगे दोस्तों तो इसे पूरे दिन आप धूप में रखिए, अगर इस प्लांट को धूप नहीं मिलेगी तो सिर्फ लीव्स जो है बहुत ज़्यादा प्लांट बुशी होगा लेकिन जो इसमें फूल नहीं आएंगे, और धूप में रहेगा तभी आपके जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से फ्लावर भी देगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसको फर्टिलाइज़र की, तो महीने में इसको मैं 2 बार ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, 1 बार बनाना पील फर्टिलाइज़र देती हूँ और 1 बार जो है मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, और उसके अलावा इसमें महीने में 1 बार वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट दोनों में से कोई 100 ग्राम जितना दे देती हूँ। इन सभी फर्टिलाइज़र को देने के अलावा भी मैं एक फर्टिलाइज़र और अपने प्लांट को देती हूँ, लेकिन फर्टिलाइज़र बताने से पहले मैं आपको चम्मच दिखा दूँ कि कौन सा चम्मच से मैं दे रही हूँ, तो यहाँ सिर्फ 1 ग्राम जो खाद है वही आता है, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है NPK 10-26-26, ये मैं अपने प्लांट को महीने में 1 बार देती हूँ। जो भी फर्टिलाइज़र मैंने अभी आपको बताया है, कोई भी फर्टिलाइज़र जब आप अपने प्लांट को दे रहे हैं तो कम से कम 7 से 10 दिन का गैप ज़रूर रखिए, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने प्लांट को खाद देने की ज़रूरत नहीं है। कनेर को वैसे भी बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा रेगुलर रूटीन के हिसाब से चलिए कि जब भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो 7 से 10 दिन का गैप ज़रूर रखिए, और हो सके तो 15 दिन का भी आप गैप रख सकते हैं, मॉनसून में बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत होती ही नहीं है, तो कम मात्रा में दीजिए और थोड़ा सा गैप रखिए और प्लांट जो है धूप में रखिए। ये कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी तभी आपके जो कनेर के प्लांट अगर नया भी होगा, क्योंकि मेरा ये प्लांट जो है मैंने 27 अप्रैल को लगाया था, फिर भी आप देखिए इसमें बहुत सी कलियाँ भी आ चुकी है और बहुत सारे फ्लावर भी आ रहे हैं। NPK 10-26-26 के अंदर नाइट्रोजन 10 भाग रहता है और जो है हमारा फॉस्फोरस और पोटेशियम वो 26-26 रहता है, तो पोटेशियम से हमारे अगर प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे तो वो फ्लावर लाने में हेल्प करता है,
तो इसीलिए मैं ये वाला खाद इस प्लांट को दे देती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप इसको दें तो जो गमले के जो रिम है उसके पास से दीजिए और मिट्टी से हल्के से कवर कर दीजिए। करने के बाद में इसमें हल्की वाटर ज़रूर से दे दीजिए, क्योंकि मॉनसून है तो बहुत ज़्यादा इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और कनेर का जब प्लांट आप लगाएं तो थोड़े से बड़े साइज़ के गमले में ही लगाएं। मैंने सीधा इसको 10 इंच के पॉट में लगाया है, और जो वाइट वाला कनेर लगाया था वो 8 इंच में लगाया था, क्योंकि उस समय गमला खाली नहीं था इसलिए। लेकिन उसे भी मैं जल्दी से बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँगी। और एक बात ये है, कनेर का प्लांट जब डोरमेंसी पीरियड में रहे या प्लांट में फ्लावर जब नहीं आ रहे, उस समय हमारे प्लांट को हमें बुशी बनाना है। बुशी बनाने के लिए हमें इस प्लांट को पिंचिंग करना या कटिंग्स करना ज़रूरी होता है। कटिंग्स ज़रूर से करते रहिए, ताकि कनेर के प्लांट में एक डाली को काटते हैं तो उसकी जगह पर 3 डालियाँ निकलती है। ये चीज़ हमें बहुत ही फ़ायदा करता है कि जल्दी से प्लांट बुशी और घना हो जाता है। तो वो चीज़ें हमें सिर्फ डोरमेंसी पीरियड में ही करना होता है, जब प्लांट में फ्लावर नहीं होते हैं। और जितने ज़्यादा हम प्लांट को घना बनाएंगे, उतना ज़्यादा उसमें जब फ्लावर आएगा तो बहुत सारे फूल भी आने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वहाँ से आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ।